हेलो फ्रेंड, मैं रश्मि आप सभी को मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पालक को एक नई तरीके से बनाने की रेसिपी लेके आए हैं। जिनको पालक पसंद भी नहीं होगा ना, इस तरीके से आप बनाओगे तो वो भी उंगली चाट के खाएंगे। भूख नहीं भी होगी तो इस रेसिपी के साथ दो चार रोटी एक्स्ट्रा खा जाएंगे। आप भी इस तरह से एक बार घर में जरूर पालक को बनाएं। सो फ्रेंड, आप इसे रोटी के साथ, राइस के साथ, किसी के साथ भी बहुत ही इजीली खा सकते हैं। फ्रेंड, देर ना करके चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी स्टेट से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सो फ्रेंड, पालक का इस नई रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं पालक को अच्छे तरह से वॉश करके ले लिया हूँ और एक कपड़े में इसे रख के इसे सुखा लिया हूँ अच्छे तरह से। फिर हम इस तरह से पालक को अच्छे तरह से चॉप्ड करके कट कर लेंगे। पालक कट हो जाने के बाद इसे हम साइड में रख लेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस में हम गैस के ऊपर एक कढ़ाई बिठा लेंगे और कढ़ाई को अच्छे तरह से गैस को जला के गरम कर लेंगे। कढ़ाई जो बहुत ही बढ़िया से गरम हो जाएगी, फिर मैं यहाँ पे कुछ मूंगफली को डाल के अच्छे तरह से थोड़ी देर के लिए हम मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे पालक में बहुत ही प्रोटीन रहती है। अगर आपके बच्चे पालक को नहीं खाते होंगे तो इस तरह से एक बार बना के जरूर खिलाए, देखना आपके बच्चे भी उंगली चाट के खाएंगे और बार बार इस रेसिपी का घर में डिमांड होगी। मूंगफली बढ़िया से रोस्ट हो जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे एक बड़ी चम्मच बेसन डाल के इसे चलाते हुए थोड़ी देर के लिए हम बेसन को फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल आप गैस को यहाँ पे छोड़ के ना जाए, इसी तरह से चलाते हुए बेसन को फ्राई कीजिए ताकि हमारा बेसन ना जले। अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो बेसन बहुत जल्दी जल जाती है और आपका पालक का सब्जी खराब भी हो जाएगी। फिर जो बेसन हमारा थोड़ी देर भून लेने के बाद इसमें से बहुत ही बढ़िया से खुशबू जब आने लग जाएगी, फिर मैं यहाँ पे एक चम्मच सफ़ेद तिल डालूंगी। सफ़ेद तिल को भी हम इसी के साथ थोड़ी देर इसे फ्राई कर लेंगे। सफ़ेद तिल जो है बहुत जल्दी जल जाती है, इसीलिए हम एकदम लास्ट में इसे डालेंगे। बस थोड़ी देर फ्राई हो जाने के बाद हम गैस को बंद कर लेंगे। फिर गाइस, हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। जब ये बेसन और मूंगफली ठंडा हो जाएगी फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। फिर एक पैन ले लेंगे और पैन को अच्छे तरह से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। पैन जब बढ़िया से गर्म हो जाएगी फिर मैं यहाँ पे एक टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल हमारी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से गर्म हो चुकी है। फिर मैं यहाँ पे 4 से 5 लहसुन के कलियाँ ले लूँगी और एक सूखी लाल मिर्च का टुकड़ा ले लिया हूँ। तीखा आप अपने हिसाब से रख के, ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे हरी मिर्च को भी डाल के थोड़ी देर के लिए फ्राई कर सकते हैं या फिर मिर्च का क्वांटिटी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से थोड़ी देर फ्राई हो जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे जो पालक का कट करके रखी थी यहाँ पे डाल दूँगी। पालक डालने के बाद इसमें हम थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे। आप एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें, पालक जब पक जाती है बहुत ही कम दिखने लग जाती है, इसलिए नमक का क्वांटिटी आप कम ही रखें। पालक ऐसे भी थोड़ी सी नमकीन रहती है, नमक थोड़ा कम रहेगी तो बहुत ही टेस्टी लगती है। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे और एक चीज़ का ध्यान रखें, पालक को जब भी पकाए ज़्यादा बिल्कुल ना पकाए। ज़्यादा पक जाने से क्या होते है, पालक का जितना भी विटामिन है वो हमें पूरा नहीं मिल पाती है, बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाती है। इसीलिए आप इसे 80% कुक करें ताकि पूरा विटामिन हमको मिल सके, इसीलिए हम ज़्यादा पालक को नहीं पकाएंगे यहाँ पे। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं पालक हमारा बहुत ही बढ़िया से पानी छोड़ने लग गई है और पालक हमारा पक चुकी है। हम इसी स्टेज में गैस को बंद कर लेंगे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे। फिर हम यहाँ पे गैस के ऊपर एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई को बहुत ही बढ़िया से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। कढ़ाई जब बहुत ही बढ़िया से गर्म हो जाएगी फिर मैं यहाँ पे 3 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल डाल रही हूँ। सरसों का ऑयल से बहुत ही बढ़िया स्वाद आती है साग में, इसीलिए मैं सरसों का ऑयल डाल रही हूँ। जब ऑयल बढ़िया से गर्म हो जाएगी फिर मैं आधा छोटी चम्मच धनिया को, साबुत वाला धनिया को हाथों में बहुत ही बढ़िया से क्रश करके ऑयल में डाल रही हूँ ताकि इसका जो स्मेल है वो बहुत ही बढ़िया से उभर के आए। और धनिया को थोड़ा सा पकने के लिए टाइम लगती है, इसलिए मैं सबसे पहले धनिया डाल रही हूँ। धनिया जब बढ़िया से चटक जाएगी फिर मैं यहाँ पे आधा छोटी चम्मच जीरा ऐड कर दूंगी। जीरा बढ़िया से चटक जाने के बाद एक हम सूखे लाल मिर्च डाल दूंगी और एक बड़ी चम्मच चॉप्ड की हुई लहसुन डाल दूंगी या फिर कुटी हुई लहसुन डाल दूंगी। इन सारे चीज़ों को बढ़िया से हम चटकने देंगे, थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। लहसुन जब थोड़ी देर फ्राई हो के गोल्डन ब्राउन कलर दिखने लग जाएगी फिर मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज प्याज को चॉप्ड करके डाल दूंगी।
प्याज को हम थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा प्याज को भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उतना हमें पकाना है यहाँ पे। हमारी ये रेसिपी कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं जगह के नाम बताना बिल्कुल ना भूलें। प्याज हमारा यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है, फिर मैं यहाँ पे एक चम्मच कुटी हुई अदरक डाल दूँगी। अदरक डालने के बाद इसे हम प्याज के साथ मिक्स करके थोड़ी देर अदरक को हम पका लेंगे। जब अदरक हमारा थोड़ी सी पक जाएगी फिर मैं यहाँ पे एक टमाटो को चॉप्ड करके डाल दूंगी, और टमाटो को मसालों के साथ मिक्स करके हम यहाँ पे इसे ढक के कुछ देर के लिए टमाटो सॉफ्ट होने तक हम इसे पका लेंगे। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे 2 मिनट के बाद देख सकते हैं टमाटो हमारी बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो चुकी है, बढ़िया से पक चुकी है। इसी स्टेज में हम कुछ सूखा मसाला यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे, और एक बड़े चम्मच यहाँ पे हम लाल मिर्च के पाउडर डाल देंगे। ये जो लाल मिर्च का पाउडर ज़्यादा तीखा वाला नहीं है, सब्जी में थोड़ा सा बढ़िया सा कलर आ जाए इसीलिए मैं लाल मिर्च बाजार में मिलने वाली लाल मिर्च का पाउडर यूज कर रही हूँ। फिर मैं आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल के इन सारे मसालों को बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। सूखा मसाला बढ़िया से मिक्स हो जाने के बाद फिर जो हम ग्राइंड करके रखे थे बेसन और मूंगफली और सफ़ेद तिल को, उस मिक्सचर को यहाँ पे डाल के मसालों के साथ बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जब सारे मसाला बढ़िया से मिक्स हो जाएगी ग्रेवी के लिए मैं यहाँ पे एक बाउल पानी ऐड कर दूंगी। आप यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप पानी ऐड करेंगे ग्रेवी में आप यहाँ पे गर्म पानी का ऐड करें ताकि आपका कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल स्लो ना हो। पानी में जब बढ़िया से उबाल आ जाए धीरे धीरे, फिर हम यहाँ पे जो पके हुए पालक थे यहाँ पे डाल के पालक और मसालों को बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड, आपको रेसिपी कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मसालों के साथ पालक को बहुत ही बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे पका लेंगे। हम मसाले में थोड़ा सा भी नमक नहीं डाले थे इसलिए लास्ट में मसालों के हिसाब से हम नमक डालेंगे, पालक में बिल्कुल नहीं डालेंगे, बस थोड़ी से नमक डालेंगे। और यहाँ पे रेडी हो जाने के बाद एक चम्मच घी डाल के इसे हम गैस को बंद करके ढक के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा के आप देखेंगे हमारा जो पालक का जो सब्जी यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है, और हम घी को सब्जी में चारों ओर बढ़िया से मिक्सअप कर लेंगे। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कितना क्रीमी स्ट्रक्चर बनके हमारा ग्रेवी रेडी हुआ है। ये रेसिपी आप रोटी या चावल किसी के साथ भी खाए बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार आप घर में ज़रूर बनाएं। और रेसिपी कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका रेसिपी घर में कैसे बना वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप एक बार बच्चों को इस तरह से बना के खिलाए, देखना आपके बच्चे भी बहुत मज़े लेके खाएंगे। रेसिपी अच्छा लगा तो चैनल को ढेर सारी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ऐसे ही बहुत सारी न्यू एंड यूनिक रेसिपी के लिए। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।